नमस्कार। आज हम बनाएंगे आलू मटर की तरी वाली सब्ज़ी। तो आलू मटर की तरी वाली सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने एक 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लिया है। तेल हमारा गरम हो गया तो इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच साबुत जीरा, 2 पिंच हींग, मैंने एक छोटा प्याज लिया है, बारीक काट लिया है, इसको डाल देंगे। प्याज का कलर चेंज होने तक इसको भूनेंगे, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा प्याज तब तक हम इसको भूनेंगे। मैंने एक मीडियम साइज का प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्च और 5-6 लहसुन का कली, और इसको हम पेस्ट बना लेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है तो ये जो हमने पेस्ट बनाया है इसको डाल देंगे। अब हम मसाले डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम कश्मीरी लाल मिर्च। मैं तीखी लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने 3 हरी मिर्च डाल दी। आप अगर थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसी समय तीखी लाल मिर्च डाल दें। 1/2 चम्मच गरम मसाला, बस मसाले में मैं इतना ही डाल रही हूँ। अब अच्छे से इसको भून लेंगे मसाले को भी और जो हमने पेस्ट डाला उसको भी। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया, हम इतना इसको भूनेंगे। तो ये मैंने 2 टमाटर लिया था मीडियम साइज का, इसको भी हमने इसका भी हमने पेस्ट बना लिया। टमाटर डालने के साथ ही हम इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसको भी हम टमाटर का पानी जलने तक इसको भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए हमारा मसाला टमाटर सब कुछ अच्छे से भुन चुका है, मसाला हमारा फ्राई पैन छोड़ दिया यानी अच्छे से मसाला भुन गया है, टमाटर का पानी भी अच्छे से जल चुका है। ये मैंने 1 कटोरी हरे मटर लिया है, अब इसको भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको हरे मटर डालने के बाद इसको ढक के हम 3-4 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो हमारे मटर है थोड़े से पक जाएं। मटर को भी मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से इसमें भून लिया मसाले में। तब हम इसमें पानी डालेंगे, ग्रेवी आपको जितनी पतली तरी रखनी है उतना डालिए। मैं इसमें पूरे 1/2 गिलास पानी डाली हूँ, आपको थोड़ा पतला रखना है तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, अगर गाढ़ा रखना है तो ऐसे ही बनाइए जैसे मैंने बनाया है। हमारी सब्ज़ी में उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे। सब्ज़ी में उबाल आ गया है, मैंने इसमें 1/2 गिलास पानी और डाल दिया है क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था ज़्यादा, तो वीडियो नहीं बनी उसके लिए सॉरी। मैंने 4 उबले हुए आलू लिया है और इसको मोटा मोटा तोड़ के डाल देंगे। उबाल आने के बाद ही आलू को ऐड करें, थोड़ा सा मोटा मोटा ही तोड़ के डाल देंगे। आलू डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे पहले। सब्जी को ढक के हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो देख लेते हैं, 5 से 6 मिनट हो गया पकते, तो हमारी सब्ज़ी भी बन के तैयार है, तरी वाली आलू मटर की सब्ज़ी। तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और लास्ट इसमें डालेंगे हरे धनिया की पत्ती।
तो कैसी लगी मेरी आलू मटर की सब्ज़ी ज़रूर बताइएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।